मनुष्य एक सामाजिक प्राणी एवं समाज के संचालन हेतु आत्मनिर्भरता बहुत ही महत्वपूर्ण। प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कुछ सभ्यताओं का स्थान आता है जिन्होंने ना सिर्फ अपने अस्तित्व को टिकाए रखा बल्कि अपने परिस्थिति के अनुकूल अपने सभ्यता का विकास भी किया। वैसे तो सभी सभ्यताएं अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम थे, परंतु सबके पास सारी चीज़ें नहीं होती थी और जनमानस आपस में चीज़ों का आदान प्रदान करते थे जिससे व्यापार का विकास हुआ। नमस्कार मित्र, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल समय चक्र में। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के व्यापार एवं आत्मनिर्भरता के बारे में चर्चा करें, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति ने मानव सभ्यता के विकास में एक अहम योगदान दिया है। यही वजह थी कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारा भारत प्राचीन समय से ही विकसित था और अपनी सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की ना सिर्फ पूर्ति करता था बल्कि बड़ी मात्रा में उसका संग्रह भी करता था एवं आवश्यकता के अनुसार लोगों में अपने संग्रह किए गए सामान के बीच लेन देन की प्रक्रिया होती थी और इस प्रकार व्यापार का चलन सुचारू रूप से चलता था। समय बीतने के साथ यह व्यापार स्थानीय तौर पर ना रहकर बड़े स्तर पर होने लगा और इस प्रकार भारत में ना सिर्फ अंतरराज्यीय बल्कि अन्य दूसरे देशों के व्यापारी भी आकर व्यापार करने लगे। प्राकृतिक धन संपदाओं से परिपूर्ण भारत अपने आप में आत्मनिर्भर था। आवश्यक सभी चीज भारत स्वतः ही उत्पादित कर लेता था, अतः भारत को कभी भी अन्य देशों में किसी भी चीज के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी बल्कि अन्य देश के व्यापारी भारत में अपनी चीज वस्तुओं का उत्पादन लेकर व्यापार करने के लिए आया करते थे। भारत से बड़ी मात्रा में गर्म मसाले, जड़ी बूटी, औषधि, अनाज, तिलहन, दलहन आदि की मांग रोमन साम्राज्य में बहुत थी। इसके उपरांत पालतू पशुएं, समुद्री जीव एवं उनके अवशेषों का उपयोग भी आभूषण निर्माण में होता था। इसके अलावा कीमती पत्थर, रत्न, हीरे इत्यादि की भी बड़ी मात्रा में मांग होती थी। भारत की वस्तुओं का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता रोमन साम्राज्य था, परंतु इनके बीच कभी सीधा व्यापार नहीं हुआ। अरब एवं उसके आसपास के प्रांत के व्यापारी बिचौलियों की तरह काम करते थे एवं मुनाफा कमाते थे। भारत में व्यापार में उत्पादन के बदले में स्वर्ण मुद्रा लेने का चलन था जो कि बाद में वैश्विक तौर पर होने लगा। भारत के उत्पादों के बदले बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं भारत में आने लगी और राजकोष में भी स्वर्ण से भरने लगा था और इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। मध्यकालीन दौर में चीन से लेकर यूरोपीय देशों के बीच एक व्यापारिक मार्ग विकसित हुआ जिसके आसपास कई सारे बस्तियां भी बसी, जिससे इन बस्तियों का व्यापारी मार्ग में होने का फायदा भी मिला क्योंकि जमीनी मार्ग का सफर लंबा होने के कारण व्यापारी कुछ ठिकानों पर विश्राम किया करते थे, बदले में जरूरी चीज अथवा सोने के सिक्के देते थे। इस प्रकार विश्व के अलग अलग देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापार द्वारा करते थे, परंतु बदलते हालात ने नई परेशानियों को भी जन्म दिया। इन व्यापारी मार्गों में लूटपाट के किस्से भी बने एवं अब यूरोप के देश सीधा भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे क्योंकि भारत के उत्पादों के लिए उन्हें अरब देशों को मुंह मांगी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी और वे समझ गए थे कि अरब देश ये उत्पादन खुद नहीं करता बल्कि कहीं और से लाता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि भारत के व्यापारी कभी देश के बाहर व्यापार करने नहीं गए, इसलिए भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी केवल इसके पड़ोसी देशों को ही थी और ये कभी नहीं चाहते थे कि यूरोपीय देश के व्यापारी भारत तक पहुँचे। वहीं यूरोपीय प्रांत के व्यापारियों को भी अब भारत से सीधा व्यापार करने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए शुरुआत हुई भारत की खोज अभियान की, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार यूरोपीय देश के व्यापारियों ने भारत तक पहुँचने का नए रास्ते का विकास किया। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारतीय इतिहास से जुड़े हुए और भी रोचक वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।